আসানসোলের চাঁদা মোড়ের কাছে 2 নম্বর জাতীয় সড়ক সংবিধান বাঁচাও সমিতির পক্ষ থেকে 5ই মার্চ ভারত বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তারই প্রতিবাদে চাঁদা মোড় প্রায় আধ ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভে পথ অবরোধ করল দলিত সমাজের সমর্থকরা। কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন নীতি বঞ্চনা, মূল্যবৃদ্ধি, জাতিভেদাভেদ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই পথ অবরোধ সারা ভারত জুড়ে বলে জানান দলিত সমাজের এক সমর্থক। ये केंद्र में बीजेपी सरकार जो आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया और ईवीएम में जिस तरह का गड़बड़ी हो रहा और ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाने का हम लोग का डिमांड है। ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाना होगा, 13 पॉइंट रोस्टर को रद्द करना होगा। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया, इस आरक्षण को समाप्त करना होगा। गिनती के हिसाब से आरक्षण देने का संविधान में है, इसको हम मानते हैं कि अगर होगा तो हम ये आंदोलन खत्म करेंगे, नहीं तो आने वाले दिन और भी आंदोलन को बढ़ा कर हम लोग। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने 5 मार्च को भारत बंद किया, पूरा देश भर में आज ही भारत बंद हुआ और यहाँ पर चंदा मोड़ में हम लोग पश्चिम वर्धमान में सारे यूनिट एकत्रित होकर यहाँ पर आज हम लोगों ने बंद को सफल बनाया। घटनास्थले पुलिस किए पथ अवरोध उठाए। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।